जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम जीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इट्से से आइटम किस तरह से सर्च आउट करनी है और उसी आइटम को हमने फिर अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर आके किस तरह से सर्च आउट करना है, कितना हमें प्रॉफिट होगा और हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग करनी है इट्सी के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ से जैसे ही मैंने कीवर्ड लिखा इट्से के ऊपर, इट्से से ड्रॉप शिपिंग करने का जो मेथड है वो टोटल डिफरेंट है। यहाँ से ये एक आइटम्स मेरे सामने आ गई, यहाँ से इस सारे आइटम्स को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अमेजोन का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इट्से के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करने का जो मेथड है वो टोटली डिफरेंट है, इस चीज़ को आपने बस मेक श्योर कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरह से हमने इट्से से पहले आइटम को सर्च करके फिर उसको अमेजोन से फाइंड करना है ताकि हम प्राइस को एनालिसिस कर सकें, तो यहाँ से इट्से के ऊपर ये आइटम बिक रही है 29.99 की और इन्होंने तकरीबन 22 जो सेल हैं वो भी कर ली हैं। अच्छे फीडबैक के साथ ये बैठे हुए हैं। और अगर हम इसी आइटम्स को अमेजोन के ऊपर देख लें कि एक तो ये वाली आइटम है 29.99 की मिल रही है और एक ये वाली आइटम है 16.81 की मिल रही है, गेट इवन इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये आई थिंक ये वाली जो आइटम्स है ये टोटली डिफरेंट है, ये हमारी आइटम्स नहीं है। ये वाली जो आइटम्स है अगर हम इसको वैल्यूएट करें और इसको वैल्यूएट करें, ये वाली आइटम्स जो है हमारी जो आइटम के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ओपन करके अपना जो हमारा क्राइटेरिया है उसको हम देख लें कि इसके ऊपर कुछ सेलर जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग इसको कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ से देख लें तकरीबन 32 ड्रॉप शिपर इसके ऊपर अवेलेबल हैं जो कि इस आइटम को डिफरेंट प्राइसेस के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर हम ऊपर आएँ इसके ऊपर अच्छे खासे जो फीडबैक हैं वो भी अवेलेबल हैं। 16.18 की हमें यहाँ से ये आइटम्स मिल रही है। अगर हम इसको इट्से के ऊपर 29 की लगाते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमने इस सेलर को कम्पीट करना है तो हमारी प्राइस 29.99 नहीं होनी चाहिए, हमारी जो प्राइस है वो तकरीबन 28 होनी चाहिए या 27 होनी चाहिए। स्टार्ट में हमने बिल्कुल मिनिमम मार्जिन लेना है। तो हमने यहाँ से देख ली हमारी जो सोल्ड प्राइस है 29.99। अगर मैं इट्से फी कैलकुलेटर की बात करूँ, फर्स्ट जो मेरे पास साइट ओपन होगी इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरी जो सोल्ड प्राइस होगी 29.99, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, शिपिंग मेरी बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट मेरी कितने में मुझे ये मिल रहा है यहाँ से 16.81 का। अगर मैं यहाँ पे 16.81 मेरी जो कॉस्ट होगी, पैकेजिंग कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद प्राइसिंग जो पेड हमने करनी है वो हमारी ज़ीरो है। हम अभी इस टाइम के लिए हम इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी एड नहीं चला रहे। तो यहाँ से ईबे की जो लिस्टिंग इंसर्शन फ़ी है वो हमें यहाँ पे इतनी देनी पड़ेगी, ये तो एक प्री फिक्स हम कह सकते हैं कि हमें ये देनी ही देनी है। उसके बाद इट्से की जो ट्रांजेक्शन फ़ीस है, एक आइटम सोल्ड होने के बाद तकरीबन हमसे 6.5% लेगा और इट्से की जो पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है वो तकरीबन बनेगी 4%। तो हमने एवरेज इट्से को 12% फीस देनी है एक यूनिट सोल्ड होने के बाद, एवरेज एवरेज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख लें कि हमारे जो टोटल सेलिंग फ़ी होगी, यहाँ से देख लें सेलिंग प्राइस हमारी 29.99 है, टोटल कास्ट हमें इतनी जो है वो पे करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग फ़ी, इट्से की जितनी भी फीस होगी वो देने के बाद 8 पाउंड हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। आप यहां से देख लें कि ये वाले सेलर ने अब तक 52 जो आइटम्स हैं वो सोल्ड कर ली हैं। आप 52 को 8.87 से मल्टीप्लाई कर लें तो अब तक इसने जस्ट एक लिस्टिंग से इतना प्रॉफिट जो है वो गेन कर लिया है। ये एक वैलिड स्ट्रेटजी है ड्रॉप शिपिंग की इट्से के ऊपर। आपका तो ये माइंडसेट ये बना हुआ है ना कि आपने इट्से के ऊपर जनाब वो हैंडमेड आइटम लगानी है, बिल्कुल राइट, आपका जो माइंडसेट है वो राइट है। लेकिन हमने ट्रेंड को देखना है कि लोग किस तरह से आइटम को जो है वो सर्च आउट कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपना क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इट्से के ऊपर सेल करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमने उसको फुलफिल करना है ताकि हम सक्सेस रहें इट्से के ऊपर। सबसे पहले आपने आइटम जो है वो इट्सी पे ही फाइंड करनी है। अगर आप अमेजोन से पहले आइटम फाइंड कर लेंगे फिर इट्सी के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको आइटम नहीं मिलेगी।
हमारा जो पहला ऑप्शंस है वो आपने फाइंड आइटम करनी है। लेट्स अज्यूम कि मैंने ये वाली आइटम इट्से से फाइंड कर ली है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली आइटम मैं सेल करना चाह रहा हूँ अपने इट्से के ही ऊपर। तो मैंने सबसे पहले इट्से से आइटम फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट फेज होगा इसको मैं जो है अमेजोन के ऊपर सर्च करूंगा। यहाँ से मैं इसके टाइटल को करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आया हूँ अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर आके मैंने सर्च कर लिया और मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि ये वाली आइटम अमेजोन के ऊपर बिक रही है। सेम आइटम मुझे अमेजोन से मिल गई है। इट मीन्स कि मेरा फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया है ये वाला फुलफिल हो चुका है। उसके बाद वही सेम आइटम जो आपने इट्सी के ऊपर सर्च आउट की होगी उसको अमेजोन के ऊपर चार या चार से ज़्यादा लोगों ने मी टू किया होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया है, ताकि ये वाला बंदा अलो कर रहा हो ड्रॉप शिपिंग। ऐसा ना हो कि आप ये खुद ही FBA कर रहा हो या अपनी ब्रांड आइटम सेल कर रहा हो और ये अलो ना कर रहा हो, तो आपने ऐसी आइटम लिस्ट नहीं करनी। तो यहाँ से हमें देख लें कि 32 प्लस जो सेलर्स हैं इनको डिफरेंट प्राइसेस के साथ सेल कर रहे हैं, ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, ये वाला ऑप्शंस आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिनिमम वन आइटम सोल्ड ऑन इट्सी, ये वाला क्यों ज़रूरी है? अगर मैं इट्सी की साइट के ऊपर आया हूँ तो मैंने अगर ये वाली आइटम लिस्ट कर दी, इट मींस कि इट्सी ने मुझे अलाउ कर दिया है कि आपने ये वाली आइटम लिस्ट कर दी। लिस्ट करने के बाद इसके ऊपर एक आधा यूनिट भी सोल्ड हो गया, इट मींस कि इट्सी ने मुझे कोई भी किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी कि आप इस आइटम को सोल्ड नहीं कर सकते। इट मींस कि ये वाली जो आइटम है ये वाली आइटम सोल्ड हो चुकी है। सोल्ड होने के बाद इसकी जो अमाउंट है जो इसका पे आउट है वो भी इट्सी ने अलाउ कर दिया है, रिलीज कर दिया है हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर। इट मींस के इस आइटम को इट्सी के ऊपर सेल करने में कोई भी किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस मीन ये वाला जो ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए है कि एक आइटम सोल्ड होना लाजमी इसलिए है कि वो आइटम सेलेबल होनी चाहिए इट्सी के ऊपर, इट्सी उसको किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट ना करे। एक आइटम अगर इसके ऊपर सोल्ड होगी इट मींस कि इट्सी ने उस आइटम के अगेंस्ट जो पेमेंट होगी उसको रिलीज कर दिया है, आप इस आइटम को सोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट है फ्री शिपिंग, ये तो हम देंगे इट्सी में भी देंगे क्योंकि हमें अमेजोन का जो सेलर है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली हम भी इसको जो है वो फ्री शिपिंग ही देंगे। तो ये वाला क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आइटम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप इसी को लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब हम प्रॉपरली देखते हैं कि हमने इट्सी से किस तरह से आइटम जो है वो फाइंड करके उसको फिर अमेजोन के ऊपर सर्च करके लिस्ट किस तरह से करना है। तो हमने इट्सी से आइटम को सर्च आउट किस तरह से करना है, सबसे पहले हम अगर यहाँ पे होम एंड लिविंग की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपने कोई भी अपने मुताबिक कोई आपकी अगर कैटेगरी है, लाइक अगर आप पेट सप्लाइज में हैं तो आप इसके ऊपर आ जाएं, बाथ की कैटेगरीज में हैं तो आप बाथ की कैटेगरीज में आ जाएं। अगर हम यहाँ पे बाथ असेसरीज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे सारी बाथ की जो असेसरीज हैं वो यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। तो अगर हम यहाँ से किसी अगर एक आइटम को ओपन कर लें, अगर हम यहाँ से इस आइटम को ओपन कर लेते हैं, एक कैटेगरी हमारे पास ये होगी। अगर हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी को चेंज करें, चेंज करने के बाद अगर हम यहाँ पे टॉयज़ एंड गेम्स की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से अगर हमें फर्दर कैटेगरीज ओपन हो गई हैं, इस टाइम अगर हम यहाँ पे पेट की जो कैटेगरीज है उसको ओपन कर लें, ओपन करने के बाद जो आपको लगता है कि इस आइटम के साथ मैं जा सकता हूँ, आपको यहाँ पे 1000 के हिसाब से आइटम्स शो हो रही होंगी, जो आपको लगता है कि ये आइटम्स आपके लिए वायबल है वो आप यहाँ से उठा लें। उठाने के बाद आप उसको अमेजोन के ऊपर सर्च करें। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, ये वाला इट्से का अपना जो है वो पिक एंड पैक करेगा, अगर हम इसको ओपन कर लें उसके बाद अगर हम यहाँ से कोई और आइटम्स उठा लें, उठाने के बाद हमने उसको सर्च करना है कि ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। अगर हम यहाँ से ये वाली सारी हैंडमेड टाइप ही लग रही है, तो अगर हम यहाँ से इसको भी उठा लें, उठाने के बाद हम देख लें कि ये वाली इट्से अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट आइटम को ओपन करें, तकरीबन हमें 12.99 की हमें ये मिल रही है, तकरीबन 1400 प्लस इसके जो यूनिट हैं वो सोल्ड हो चुके हैं। हमने इसके टाइटल को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अमेजोन के डैशबोर्ड के ऊपर आके यहाँ से हमने इसको कर देना है पेस्ट।
तो यहाँ से देखना है कि सेम आइटम यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। इस आइटम के ऊपर लिखा रहा है लंदन 1541। तो एक तो ये आइटम ओपन होगी, यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग की हमें ये अवेलेबल है, 9 पॉइंट समथिंग की। और उसके बाद अगर हम बैग जाएँ तो ये तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग की सेल कर रहे हैं। तकरीबन 1 पाउंड प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि 1 पाउंड प्रॉफिट ले रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो नहीं ले रहे। तो लोकल सेलर है ये। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट की बात करें, यहाँ से अगर हम इसके टाइटल को कॉपी करें, 13.51 की आइटम जो है वो ये सेल कर रहे हैं। अगर हम अमेजोन के सेलर अकाउंट के ऊपर आए, यहाँ से अगर हम सर्च कर लें ये वाली आइटम, तकरीबन ये वाली आइटम हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, ये वाली आइटम्स और ये वाली आइटम्स, तकरीबन ये वाली आइटम्स सेम आइटम है। इसको अगर हम ओपन कर लें, ये 9.99 की यहाँ से सेल कर रहे हैं। अगर हम अपने इट्सी के ऊपर आए तो यहाँ पे तकरीबन 13.51 की सेल कर रहे हैं। तकरीबन 2 पाउंड यहाँ से ये प्रॉफिट ले रहे हैं इट्सी की फीसेज निकालने के बाद। इट्सी की जितनी भी फीसेज हैं वो निकालने के बाद तकरीबन 2 पाउंड यहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रफली आइडिया हो गया कि आपने आइटम को सर्च आउट किस तरह से करना है, आपने आइटम हंट किस तरह से करना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़, मैनुअली आपने सर्च करना है, यहाँ से हो सकता है आपका थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ है। आपने वही आइटम इट्सी के ऊपर सर्च करनी है जिसका एटलीस्ट 1 यूनिट सोल्ड हो चुका हो और वो अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल हो। ये तो हो गया अमेजोन टू इट्सी हमने किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे कि हम ईबे से प्रोडक्ट उठाएंगे और इट्सी के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अमेजोन के ऊपर इतने ज़्यादा कंपेटिटर्स नहीं हैं। अमेजोन के ऊपर हमें 3 या 4 या 2 या 3 सेलर जो है वो मिलते हैं, ईबे के ऊपर बड़े ज़बरदस्त सेलर हमें मिलने वाले हैं। हमने ईबे से आइटम को उठाना है और इट्सी के ऊपर हमने लिस्ट करना है, और वही आइटम लिस्ट करनी है जो हमारे इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हो। तो आई होप कि ये वाली सारी वीडियो आपको, आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।